आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कुछ दिनों पहले मथुरा जनपद में ट्रक से भरे मोबाइल को लुटेरों ने लूटा। उसे बेचने और खरीदने वालों पर मथुरा पुलिस ने लूटे हुए मोबाइल के IMEI नंबर के आधार पर गोरखपुर के बलदेव प्लाजा में मारा छापा। लूट के एक मोबाइल के साथ चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कहा, पूछताछ के लिए की गई है गिरफ्तारी, बड़े गिरोह के शामिल होने की है आशंका। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को मीडिया से हुए रूबरू। कहा, हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 300 यूनिट बिजली बिल फ्री और स्नातक पास करने वाले छात्रों को व्यवसाय के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। सम्मान मिलने पर पार्टी का समाजवादी पार्टी में हो सकता है विलय। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव के आयोजन संबंधित बैठक। जनवरी माह में आयोजित होने वाले महोत्सव के सफल आयोजन पर हुई चर्चा। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोलघर के व्यापारियों की बैठक। नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन पर हुई चर्चा। महापौर ने कहा, जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों के जमा करने का शुल्क होगा निर्धारण, लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई श्रम विभाग के योजनाओं की समीक्षा बैठक। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिलाने के दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विकास भवन के सभागार में आयोजित हुआ जन जागरूकता कार्यक्रम। उपस्थित महिलाओं को दी गई विधिक जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सिटी मोबिलिटी प्लान की बैठक। महानगर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात पर हुई चर्चा। वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा करने के दिए निर्देश। लापरवाही बरतने वाले निष्क्रिय आशाओं पर स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। DM के आदेश पर CMO ने 62 आशा कार्यकर्तियों पर सेवा से हटाने की शुरू की कार्रवाई। कहा, लापरवाही क्षम्य नहीं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नागरिक सुरक्षा के आपदा सेवाओं के कमांडिंग ऑफिसरों की परिचयात्मक बैठक। सिविल डिफेंस के कार्यों पर हुई चर्चा। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को मोहद्दीपुर रोड स्थित कंकड़ श्याह मजार के पास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कुछ लोगों पर लगाया जुर्माना, सामान किए जब्त। शुक्रवार से शुरू हुई पुलिस भर्ती बोर्ड के सब इंस्पेक्टर पद के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा। जनपद में 8,945 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, जबकि 4,081 ने छोड़ी परीक्षा। सुचिता के रहे व्यापक इंतजाम। शुक्रवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 188 केंद्रों पर कुल 21,235 लोगों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,584 और सेकेंड डोज लेने वालों में 16,651 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में पेंशनरों ने दिया धरना। सरकार से कर्मचारियों की पेंशन धनराशि 7,500 रुपए करने की मांग।